हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जूलॉजी के एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को। तो गाइस, आज का क्वेश्चन है मलेरिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ मलेरिया। तो गाइस, ये इम्पॉर्टेंट है आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो आइए फटाफट से देख लीजिए इसका आंसर। तो मलेरिया प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी से होने वाली एक बीमारी है। क्या है बीमारी? है यह मादा एनिफिलीस मच्छर के काटने से होती है जो पानी में पनपते हैं। अब हमारे अक्टूबर से लेकर नवंबर, ठीक है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस टाइम पर इसका क्रेज़ ज़्यादा होता है। अभी इसका क्रेज़ चल रहा है। अब इसके लक्षण की बात करें तो मलेरिया के लक्षण, मलेरिया में आमतौर पर, या आप हेडिंग डालेंगे मलेरिया के लक्षण, फिर लिखेंगे मलेरिया में आमतौर पर एक दिन छोड़कर एक दिन बुखार आता है बहुत तेज़ी से, और मरीज को बुखार के साथ ठंड भी लगती है। इसी के साथ पसीने के साथ बुखार होता है होना और कमजोरी महसूस होना इसके लक्षण हैं। अब मलेरिया मुख्यतः चार प्रकार की होती है। अब चार प्रकार की होती है, इसे डिस्कस करने से पहले और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके आंसर के लिए मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट लिंक मेंशन कर दिया है, वहाँ पर आपको लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों प्रकार के क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड हैं। अगर आपने चेक नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चेक कर लो। अब इसके बाद आ जाइए आप कि कौन से मच्छर से कौन सा मलेरिया होता है। तो ट्रॉपिकल मलेरिया या फिर मेलिजेंट मलेरिया हमारा किससे होता है? फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टर्टियन मलेरिया विवेक्स के द्वारा होता है, विवेक्स मच्छर के द्वारा। उसके बाद क्वार्टन मलेरिया होता है, वो किसके द्वारा होता है? मलेरियन के द्वारा। और इसके बाद आता है टर्टियन मलेरिया जो कि ओव्यूल के द्वारा होता है, ओव्यूल के द्वारा होता है। अब मच्छर को पनपने से रोकने के लिए हमें करना क्या है? घर के आसपास सफाई रखना है और इससे बचने के उपाय करना है। फॉर एग्जांपल, मच्छरदानी का प्रयोग करें, आजकल बहुत सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें भी आ रही हैं इसे रोकने के लिए, उन सारे इक्विपमेंट्स का प्रयोग करें। और आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा नहीं है जिसमें आपको पढ़ना पड़े, ये चीज़ें तो नॉर्मल भी पता रहती हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए एंड मेरी इंस्टाग्राम आईडी rstudy_10 पर जाकर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू सो मच।